बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग की दुनिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन वेजिटेबल रोल्स। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास एक पाव चिकन का कीमा है, और सब्जी जो चाहिए हमें, एक बड़ी शिमला मिर्च है, दो हमारे पास हरी प्याज हैं, दो गाजरें, और ये एक दरमियानी बंद गोभी जो हमने पूरी काट ली। इसके अलावा ये 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगा, 1 टीस्पून हमारे पास अदरक लहसुन है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है। नमक को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालेंगे। अच्छा, ये 4 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। ये मेरे पास तेल है, 3 टेबल ऑयल है मेरे पास, ये जितनी भी ज़रूरत होगी हम डालेंगे। ये हॉट सॉस है, चिली हॉट सॉस है, बाकी ये सारे वो जाएंगे सॉस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे, ये गर्म हो जाएगा। पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, इसको पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन को हमने इसमें भूनना है जब तक कि इसका कलर वाइट नहीं हो जाए। अभी इसको हम इसमें चिकन को अलहदा अदरक लहसुन से भून के और बॉइल करके इसके रेशे करके भी बना सकते हैं। था तो मैंने इसको अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के मसाले डाल के, अभी देखिए कलर चेंज हो गया इसका। तो हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें, बाकी सब्जियों में डालेंगे, और ये कुटी मिर्च जाएगी तकरीबन पूरा। मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल के थोड़ी देर इसको गलाने रख दूँगी। ये मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी इसमें डाल दिए ताकि थोड़ा सा ही गल जाए चिकन। वो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। हमने इसको 10 से 15 मिनट चिकन को गलाना है, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ये देखिए व्यूअर्स, कि हमारा चिकन हो गया तकरीबन, से 15 मिनट लगे इसको गलने में। अब मैं इस टाइम पे आके सब्जी डाल देती हूँ। सबसे पहले हम गाजर डालेंगे, फिर ये शिमला मिर्च, साथ में ही हरी मिर्च डाल देंगे। सब्जियों को चिकन के साथ भूनेंगे अच्छी तरह। मैं इसमें बंद गोभी डाल देती हूँ, इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। सब्जियाँ बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, इसमें सब्जियाँ थोड़ी क्रंची नजर आया, मैं क्रिस्पी क्रिस्पी जैसे होती हैं इस तरह की। इसमें 2 अदद मैंने आल प्याज ली थी, हरी प्याज ये डाल दी। व्यूअर्स, आप चाहे तो इसमें चेडर चीज या मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं है, नहीं तो मैं डाल देती हूँ। काली मिर्च 1 टीस्पून काली मिर्च, और ये बाकी मैंने 1/2 टीस्पून ये मैं डाल दी इसमें, हॉट सॉस डाल दी हुई मैं तकरीबन 3 टीस्पून,
तीन टीस्पून डालूंगी इसमें सोया सॉस। ये 2 टीस्पून पड़ेंगे इसमें वाइट सिल्क का। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास ये टमाटो केचप है 1 टीस्पून के करीब है। हाई फ्लेम पे पका के इसको ठंडा करके फिर हम ये रोल में फिलिंग कर लेंगे। ये हमारी रोल की फिलिंग तैयार हो गई। अब हम इसको ठंडा करके रोल में फिलिंग करेंगे। व्यूअर्स, रोल का मेज़ा ठंडा हो गया। अब हम आइए समोसे की उसकी रोल की फिलिंग करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डाल के और पानी डाल के इसके चलेरी बना दी थी। देखिए इस तरह हम रखेंगे इसको, ऐसे करेंगे, इस तरह करेंगे। यहाँ पे होंगे मैदे की सलेरी लगा देंगे। हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। एक दफा मैं आपको फिर बता देती हूँ। वो अपने सारे रोल इसी तरह तैयार कर लिए। ये बस हमारे रोल हो गए। हमने इनको निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया। ये व्यूअर्स, हमने 2 इसमें और डाल दिए। व्यूअर्स, हमारे रोल तकरीबन तैयार हो गए। व्यूअर, हमारे चिकन एग रोल तैयार हो गए। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक। व्यूअर्स, हमारे चिकन वेजिटेबल स्प्रिंग रोल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हमने ये तैयार किए, ये आप इसको आम दिनों में भी चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमने तेल को लो फ्लेम पे गरम करके इसमें हमने रोल रख दिए। हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये होती है, देखो अपने आराम से।